वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर बिहार झारखंड की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड में बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लिहाजा बजट को लेकर अब सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है और बयानबाजी भी अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी सरकार पर बजट की राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आजसू ने कहा है कि ये सरकार अपने बजट का केवल 30% राशि खर्च कर पाई है और 70% राशि सरेंडर करने जा रही है। ऐसे में इस सरकार को बजट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये सरकार जिन मुद्दों में राशि खर्च करनी थी वो राशि खर्च नहीं कर पाई। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि क्या बीजेपी अपने कार्यकाल में पूरे बजट को खर्च कर पाई थी। हम बेवजह पैसा लुटाने नहीं जानते। इधर जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये केंद्र का बजट नहीं है, ये स्टेट का बजट है। जिस मुद्दे पर जिस मद में जितनी राशि खर्च होगी सबके सामने वो आएगा। नहीं, बजट लाने की आवश्यकता होती है। देखिए, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जो बजट होती है साल भर का बजट एक बार बनता है और वह विधानसभा के अंदर पेश होता है और वहाँ से पास होता है। यानी सरकार को बजटीय प्रावधान के तहत उनको खर्च करने की अनुमति दी जाती है, ये तो आवश्यक है। हाँ, बजट खर्च नहीं कर पाना इस सरकार के नाकामी का प्रतीक होता है, लेकिन बजट तो लाना ही पड़ेगा ना। आप सरेंडर कर दीजिए। राज्य सरकार का बजट का मात्र अभी तक 30% खर्च है, 70% अभी बचा नहीं है और अभी ठीक 25 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें फिर बजट आ रहा है। तो अब पहले जो बजट में प्रावधान किया गया है उसका खर्च नहीं कि इसको खर्च के लेके सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और फिर बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। आम बजट कहा जाता है वो अब खास बजट हो गया खास लोगों के लिए। कॉरपोरेट टैक्स में तो छूट दी जाती है लेकिन आम और व्यक्ति को जो मध्यम वर्गीय कहा जाता है उसके लिए कोई छूट नहीं है। जो मकान रोजगार आदि आदि बातें कही गई है पिछले 7 वर्षों से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसी वायदे के साथ आए थे कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अगर वो इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसे जुमलों को लोग समझते हैं। और आज तो राजेश खन्ना जी की का वो गीत याद आ रहा है कि ये पब्लिक है सब जानती है, सब जुमलेबाजों को पहचानती है और अंदर क्या है बाहर क्या है सब है पब्लिक है सब जानते। देखिए, ये यूनियन ऑफ स्टेट का बजट नहीं होगा, ये स्टेट का बजट होगा और पूरा लेखा जोखा हम लोग उसमें सामने रख देंगे, क्योंकि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बजट का जो संवैधानिक नाम है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, ये बोलने से नहीं होता। दूसरा है कि हम कोई 25 साल का बजट नहीं बनाने जा रहे, हम 22-23 का बजट और लक्ष्य स्थिर करेंगे और वो सरकार पेश करेगी। और राज्य सरकार ने पिछले साल टीएसी नियमावली तैयार कर 7 जून को राजभवन भेजा था लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहते हुए फाइल को वापस लौटा दिया कि राज्य सरकार राज्यपाल के अधिकार और शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि टीएसी में 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होनी चाहिए। वहीं टीएसी के सदस्य और विधायक बंधु तिर्की ने राज्यपाल के फाइल वापस किए जाने के सवाल पर कहा कि विधि विभाग से जो परामर्श महामहिम को मिला है इससे पहले कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले को लंबित रखा था। जब महामहिम ने राज्य सरकार को सुझाव दिया तो इस पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले 2 सालों से टीएसी में किए गए निर्णय लंबित पड़े हुए हैं, इसलिए अब बिना देर किए राज्य सरकार को महामहिम राज्यपाल के दिए गए दिशा निर्देशों पर अमल करना चाहिए। से संबंधित मामला है, इस मामला को मैं रखूंगा। बाकी जो यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं और विशेषकर क्षेत्रीय इशू, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय इशू को भी हमको रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं रखता भी हूँ। हाल के दिनों में हमारे जो केशवेन्द्र गोपाल जी से हम मिले थे तभी भी उनके सामने रखा, तो जो इशू हैं यहाँ पर
ये तमाम जो महत्वपूर्ण इशू है उसके सामने में उसको रखा जाए, विशेषकर नहीं 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 वो एक है, देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर जो झारखंड के अनुरूप में जो इशू है विशेषकर आदिवासी और मूलवासी का इशू, बड़े लैंड वाला इशू, विस्थापन जैसा इशू है पूरा, ये तो भाषा के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। भाषा तो भाई यहाँ पर 5 मान्यता 9 मान्यता प्राप्त भाषा है और उसी के अनुरूप में ये झारखंड राज्य अलग हुआ है। और राज्य प्रेस क्लब में झारखंड कांग्रेस कमेटी के सदस्य अभियान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम, संस्था अभियान प्रभारी के साथ कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। राज्य के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और पार्टी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि सदस्यता को गति देने के लिए दिल्ली से पीआरओ और एपीआरओ आए हुए हैं। सभी जिला अध्यक्षों की बैठक इसके साथ हुई है। बैठक में सदस्यता अभियान के प्रभारी भी मौजूद रहे। पार्टी ने 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, उस पर चर्चा हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उस पर भी चर्चा की गई। इच्छा थी कि सभी, चूंकि सदस्यता अभियान को गति तेज करनी है तो सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई जाए, तो जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है। साथ ही साथ सभी जो जिला के प्रभारी हैं सदस्यता के वो लोग उपस्थित थे, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं वो लोग उपस्थित थे, और सभी लोगों की उपस्थिति में 15 लाख जो सदस्यता बनानी है उसको लेकर के चर्चा हुई है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सदस्य बनाने का काम करेंगे। हमारा 15 लाख का लक्ष्य है, उसके उसको कैसे प्राप्त करें उस पर चर्चा हुई है। धनबाद रेल मंडल के तहत गोमो गया रेलखंड पर सोमवार सुबह ट्रेन हादसा हो गया। इसमें एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। कोडरमा गया के सीमावर्ती इलाके में पहाड़पुर के पास ये घटना हुई। इस कारण सुबह 5:30 पर कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब 4 घंटे के बाद डाउन लाइन को क्लियर किया गया। इस पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है, लेकिन अब लाइन अब तक भी बाधित है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोमो से एआरटी टीम को मौके पर भेजा गया। ट्रेन के डिब्बे खाली होने के कारण हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और हजारीबाग के बरही में मूर्ति शोभा यात्रा में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में सिकंदर पांडे के 17 साल के इकलौते बेटे रुपेश कुमार की मौत हो गई। मौत की सूचना से गुस्साए लोगों ने दुलमहा गांव में आगजनी की और पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इसी कड़ी में गुस्साए लोगों ने कुछ घरों और वाहनों में आग भी लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रतिमा विसर्जन के दौरान ही मारपीट हुई और युवक की मौत हो गई। हालांकि ये हमला किसने और क्यों किया ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नाजिर अख्तर, पुलिस निरीक्षक, सह थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित में किया गया। 27 लोगों को मॉब लॉन्चिंग के तहत गिरफ्तारी का आश्वासन दिए हैं और मॉब लॉन्चिंग का ही केस दर्ज होगा। इस पर किसी प्रकार की पैरवी या निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा डीएसपी साहब ने बोले हैं। साथ में एसपी साहब भी वहां पर प्रतिनिधि डीएसपी साहब ने कहे हैं। और प्रशासन की ओर से परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि दोनों जो है सो एक ही वारिस था और दोनों का कमाऊ लड़का वही था। मैं जीटी रोड जाम किया गया था, परिजन डेड बॉडी के साथ जो है सो परिजन मांग उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसमें डीसी सर, एसपी सर स्वयं उपस्थित थे, माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी, पूर्व विधायक माननीय श्री मनोज यादव जी सभी उपस्थित थे, अन्य सभी जितने भी जनप्रतिनिधिगण, मुखियागण, सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। उन्हीं के समक्ष सारी बातें हुई और जो प्रशासन की ओर से जो उचित मुआवजा जो दिया जा सकता है वो सारी बातें हुई और सभी उनको जो है सके प्रशासन की ओर से सहयोग किया। किसी का इकलौता बेटा मर जाता है तो वो कब तक धैर्य रखेगा, आपको ये भी समझना है। कोई दुकान जला तो उसका कॉम्पनसेशन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे धरती पर रुपेश पांडे को वापस ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। तो अगर कोई प्रतिक्रिया हुई
हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह सही था, लेकिन उस पीड़ित जो समाज है उसके व्यथा को आपको समझना पड़ेगा। और अब बिल्कुल हम आपको कहेंगे कि ये लोग आज के दिन में यहाँ खड़े हैं, इनको अपने कल के कृत्य पर अफसोस जरूर होगा और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी।